शनि देव और हनुमान जी की कहानी। एक बार हनुमान जी श्री राम की भक्ति में व्यस्त थे। उस जगह से शनि देव जी भी गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें हनुमान जी दिखाई पड़े। ऐसे में हनुमान जी को देखकर शनि देव जी को शरारत सूझी और वो हनुमान जी को परेशान करने लग गए। हनुमान जी ने शनि देव को ऐसा करने से रोका, पर वो बिल्कुल भी नहीं माने। हनुमान जी ने तब शनि देव जी को अपनी पूंछ से जकड़ लिया और फिर से राम कार्य में लग गए। कार्य के दौरान वो इधर उधर चहलकदमी में भी कर रहे थे और इस वजह से शनि देव को बहुत सारी चोटें आईं। शनि देव ने बहुत प्रयास किया पर हनुमान जी की कैद से खुद को छुड़ा नहीं पाए। उन्होंने विनती की पर हनुमान जी अपने कार्य में खोए हुए थे। बाद में उन्हें शनि देव का ख्याल आया, तब उन्होंने शनि देव को आजाद कर दिया। शनि देव जी को भी अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने हनुमान जी से माफी मांगी कि वे कभी भी राम और हनुमान जी के कार्यों में कोई विघ्न नहीं डालेंगे और श्री राम और हनुमान जी के भक्तों को उनका विशेष आशीष प्राप्त होगा। फिर हनुमान जी ने शनि देव जी को सरसों का तेल उपलब्ध कराया और फिर इस तरह से शनि देव के जख्म ठीक हुए। तब शनि देव ने कहा कि इस मृत्यु में जो भी भक्त शनिवार के दिन मुझ पर सरसों का तेल चढ़ाएगा उसे मेरा विशेष आशीष प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।